सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 12वीं की परीक्षा भी रद्द होगी। इस सवाल पर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा, यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा 2022 और 23 में शामिल होने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद UPMSP ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए फॉर्म में करेक्शन करने का एक और मौका दे दिया है। जिन छात्रों ने बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वो अब फॉर्म में संशोधन के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों के लिए एक और बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जो छात्र 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट वितरण किए जाएंगे। छात्रों, यदि आप भी इसका लाभ लेना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखें, कमेंट में अपने राज्य का नाम और अपना नाम जरूर लिखें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। यदि आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आपके कक्षा 10वीं और 12वीं में 60% से अधिक मार्क हैं, तभी आप लैपटॉप और टैबलेट का लाभ उठा सकते हैं। आप इस वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट में हमें जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुफ्त लैपटॉप वितरण स्कीम का लाभ 10वीं और 12वीं के प्रतिभाशाली स्टूडेंट को देने जा रही है। फ्री लैपटॉप वितरण स्कीम के तहत 20 लाख युवाओं को मुफ्त में लैपटॉप दिया जाएगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 10वीं और 12वीं में छात्रों को 60% से अधिक नंबर लाने होंगे। अगर आप भी प्रदेश सरकार की फ्री लैपटॉप वितरण स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से वर्ष 2022 में मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को मुफ्त लैपटॉप के साथ पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। इस योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति केवल 100 टॉपर को ही प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के उपलक्ष्य में फ्री लैपटॉप निःशुल्क वितरण करेगा। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी पूरी की जा रही है। दरअसल इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए तारीखों की घोषणा कर दी गई है। बोर्ड परीक्षा के शेड्यूल के मुताबिक 13 फरवरी से प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। दरअसल स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बयान के मुताबिक कक्षा 10वीं और 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा 13 से 28 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। जब परीक्षा का आयोजन 1 मार्च से 31 मार्च 2023 तक आयोजित किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में अपना और अपने राज्य का नाम जरूर लिखें, जिससे सबसे पहले आपके बोर्ड से संबंधित सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मीडिया तक ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।